हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 12th RBSE. ओके स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू दैट आई विल स्टार्ट द टेक्स्ट बुक्स ऑफ द क्लास 12th RBSE. सो वी आर प्रेजेंट विद ए न्यू चैप्टर ऑफ ए न्यू बुक. ओके एंड दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग of the book Panorama. Okay, you know that there is given two books. आप जानते ही हैं कि हमारे सिलेबस में दो टेक्स्ट बुक दी हुई हैं, उसमें से फर्स्ट आपकी रेनबो है, सेकेंड आपकी पैनोरमा है. एक और हम सबसे पहले पैनोरमा बुक आपकी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. और पैनोरमा में सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग की बात करेंगे, जो आपके 15 मार्क्स की बुक हैं, ठीक है. और 15 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आपके इस बुक में से अटैम्प्ट होंगे. और फर्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग है एंड दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एनडी गंगा स्कूल खैरतल, यू नो दैट. और एनडी गंगा स्कूल की तरफ से आपको ये वीडियो जो है प्रोवाइड करवाया जा रहा है. तो सबसे पहले अबाउट द राइटर देखते हैं. यहाँ पे कालकी, ध्यान रखिए कालकी जो है राइटर है इसका. अबाउट द राइटर देख लेते हैं. रामास्वामी अय्यर कृष्णामूर्ति, इसका पूरा नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णामूर्ति, बेटर नोन बाई हिज नेम कालकी, और अपने पेन नेम यानी कि उपनाम, अपने उपनाम कालकी के नाम से जाना जाता है, ठीक है. अपने उपनाम कालकी के नाम से जाना जाता है. वैसे इसका पूरा नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णामूर्ति, वाज ए तमिल राइटर. वो कौन थे? एक तमिल भाषा के लेखक थे, जर्नलिस्ट थे, पोएट कवि थे, क्रिटिक आलोचक थे, एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज़ और भारतीय स्वतंत्रता के एक्टिविस्ट भी थे, यानी कि उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, इंडिपेंडेंस में. ही डेराइव्ड हिज पेन नेम कालकी फ्रॉम हिज सफिक्सिस ऑफ हिज वाइफ्स नेम कल्याणी, और उन्होंने अपना जो ये नाम लिया, उनकी पत्नी का जो नाम था, उनकी पत्नी के पीछे का जो सरनेम लगता था वो था कल्याणी. और कल्याणी जो था यानी कि क्या था, उनके नाम का सफिक्स था यानी कि प्रत्यय लगने वाला सरनेम था, और उसी नाम से उन्होंने अपना नाम, खुद का नाम कालकी रखा. हिज नेम कृष्णामूर्ति, उनका नाम तो कृष्णामूर्ति था. हिज राइटिंग्स इंक्लूड ए लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, उनकी रचनाओं में लघु कथाएँ शामिल होती हैं. 5 नॉवल्स, लगभग 5 उपन्यास हैं, एडिटोरियल है और पॉलिटिकल राइटिंग्स भी हैं, राजनीति पर भी उन्होंने लिखा है, फिल्म भी उन्होंने बनाई है, और म्यूज़िक रिव्यूज़ भी उनकी इन रचनाओं के ऊपर आए हैं. तो अब देखते हैं, हम चैप्टर के विषय में जानते हैं. अबाउट वी नो द स्टोरी इज गिवन अ टाइगर किंग, ठीक है. तो 99 टाइगर को मार देता है और 100 टाइगर को मारने की कोशिश राजा की है, तो क्या वह 100 टाइगर को मार पाता है और 100 टाइगर को मारने के पीछे क्या उद्देश्य है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जो जानने को मिलेगा इस चैप्टर में मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी. प्रतिबंधपुरम के जो महाराज हैं वो इस कहानी के नायक हैं, इस कहानी के मैन हीरो हैं. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सता व्याघ्र समहारी, महाराजा धीराज, विश्वभूषण सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MA DE, SATC, CRC के. ये इनके देखो महाराजा, किसने क्या कहा, महाराजा को किस किस तरीके से जाना जाता है. महाराजा को जमींदार जनरल किलेदार, जमींदार जनरल किलेदार के नाम से जाना जाता है. महाराज को किलेदार मेजर कहा जाता है, सत व्याघ्र समहारी भी कहा जाता है. महाराजा धीराज विश्वभूषण सम्राट कहा जाता है. सर जिलानी जंग जंग बहादुर भी कहा जाता है. MAD, SATC और CRC के नाम से भी जाना जाता है. बट इज़ नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग,
लेकिन शॉर्ट में उनका नाम टाइगर किंग है। क्या नाम है? संक्षिप्त में उनके नाम को टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग। मैं तुम्हें आज यहाँ बताने वाला हूँ, बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि उनको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है, क्या कारण है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन एन स्ट्रेटजिक विथड्रॉल। और मैं इस इरादे से आगे बढ़ने का दावा नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मैं इस कारण से आगे बढ़ने का दावा नहीं कर रहा हूँ कि अंत में योजनाबद्ध तरीके से वापस आ जाऊँगा, ठीक है। इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। कि कोई भी स्टूका बम वर्षक भी जो होगा ना, स्टूका बम डालने वाला जो यंत्र है, वो भी मुझे अपने काम से नहीं डिगा सकेगा। द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माय स्टोरी। और स्टूका अगर चाहे तो मेरी कहानी से शीघ्रता से भाग सकता है, यानी कि वो बम वर्षक मेरी कहानी से जा सकता है, मेरे हौसलों को मेरे इरादों को वो डगमगा नहीं सकता, ठीक है। द महाराजा हो गया राइट एट द स्टार्ट। सबसे पहली बात, इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। कि एक महत्वपूर्ण जो सबसे पहली बात मुझे बतानी है, ज़रूरी है, इसके बारे में पढ़ने वाला हर व्यक्ति उस जैसे साहस वाला व्यक्ति से आमने सामने मिलने की इच्छा करेगा। यानी कि ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है कि जैसे मान लो कोई स्टोरी पढ़ रहा है और टाइगर किंग के बारे में जब उसके साहस के बारे में पढ़ेगा तो उसी प्रकार के समान साहस वाला व्यक्ति भी उससे मिलने की कोशिश करेगा। एवरी वन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन इज ए हैंड इज हिज इंडोमिटिनेबल करेज फेस टू फेस, है ना। तो ऐसा ही व्यक्ति उससे आमने सामने मिलने की कोशिश करेगा, उसकी इच्छा होगी कि वह उससे जरूर मिले। बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। किंतु शायद उससे मिलने की मेरे हिसाब से तो कोई संभावना है नहीं, यानी कि उसके ये इच्छा की कोई संभावना है नहीं कि वो पूरी हो जाएगी। एज भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथ, कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा, क्या कहा था, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड द फाइनल अबोड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज़ द डेड। यानी कि उन्होंने कहा कि टाइगर किंग सारे जो जीवित प्राणी हैं उनके अंतिम निवास स्थान पर पहुंच गया है, यानी कि सभी जीवित प्राणियों के अंतिम स्थान पर पहुंच गया है टाइगर किंग। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टाइगर किंग मर चुका है, यानी कि अब उसका अंत जो है वो ख़त्म हो, समय ख़त्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, द मैनर ऑफ इज डेथ इज मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। और उसकी मृत्यु का ढंग असाधारण रूप से बड़ा कैसा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। इस कहानी के अंत में ये चीज़ बताई जा सकती है। द मोस्ट फंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ इज डिमाइज वॉज दैट सून एज ही वॉज बॉर्न। और उसकी मृत्यु का सबसे रोचक एस्पेक्ट तो ये था कि उसके जन्म के तुरंत बाद एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। कि उसके जन्म के तुरंत बाद ज्योतिष जो थे उन लोगों ने, यानी कि एस्ट्रोलॉजर्स जो थे, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन टाइगर किंग को मरना ही पड़ेगा, यानी कि सोवे टाइगर। अब देखो सोवा टाइगर क्या है, सोवे टाइगर की कहानी किस चीज़ को लेकर है। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वैरियर ऑफ द वैरियर्स। कि ये लड़का जो है बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरोज ऑफ हीरो, नायकों का नायक बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, और यानी कि जो वीर है उसका वीर बनेगा। बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वर्ड हार्ड।
किंतु उन्होंने अपने होंठ काट लिए और उन्होंने अपनी बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो गया। When compelled to continue, और उन्हें इस बात के लिए अपनी बात को जारी रखने के लिए मजबूर रहना पड़ा। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, और एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष को ये बात बतानी पड़ी। दिस इज़ ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, यह एक सीक्रेट है जो किसी को भी शायद नहीं बताना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और अगर हमें बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार्स विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो बालक हैं, यानी कि इस स्टार के नीचे, इस तारे के नीचे जो जन्म लेने वाला बच्चा है, एक दिन शायद उसे मृत्यु का सामना अवश्य करना पड़ेगा। हालांकि हर व्यक्ति करता है, लेकिन एक असमय मृत्यु हो जाए, ठीक है, वो बात अलग होती है। तो एक असमय मृत्यु की बात भी हो रही है। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और उसी क्षण एक बड़ा चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे, और 10 दिन के जो हमारे बहादुर जो लड़का था, यानी कि जो व्यक्ति वो अभी जन्मा हुआ लड़का था 10 दिन का, ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर, क्या नाम, जंग जंग बहादुर है, ओ वाइज प्रोफेट्स, तो उसने अपने होठों से क्या कहा, फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 डे, क्या निकल कर बाहर आया, क्या शुद्ध वाक्य निकले, तो उसने कहा, ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ बुद्धिमान देवताओं के दूत, ओ बुद्धिमान देवताओं के दूत, everyone stood transfixed in stupefaction, कि हर व्यक्ति जो है इस बात के लिए आश्चर्य में डूब खड़ा हुआ। they looked widely at each other and blinked, और एक दूसरे ने एक दूसरे की तरफ घबराते हुए नज़र से देखा और बार बार पलके झपकाने लगे। ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ पैगम्ब्रो, इट वॉज आई हूँ स्पॉक, ये मैं हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। दिस टाइम देर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, और अब जो थी शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 डेज अगो हु हैड इनिशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, ये वही 10 दिन का बच्चा था जिसने अभी हाल ही में जन्म लिया था और उसने बड़ी स्पष्टता के साथ ये शब्द कहे थे। कौन सा, ओ प्रोफेट्स, ओ वाइज प्रोफेट्स। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और जो मुख्य जो ज्योतिषकार था उसने अपना चश्मा उतारा, और अपना चश्मा उतारने के बाद बड़े ध्यान से उस लड़के को देखा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, कि इन सबको जिन्होंने जन्म लिया है उनको मरना पड़ेगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, यह जानने के लिए हमें आपके भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जन्मेगा वो मरेगा। देर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, और तब कोई काम की बात होती अगर आप हमें मौत का तरीका बता सकते, यानी कि अगर आप हमें कोई मौत का तरीका बताएं, ठीक है, तो हम मान जाए कि आपकी बात सही है। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन इज लिटिल स्क्वैकी वॉइस, और जो शाही बच्चा था उसने अपनी पक्षी जैसी आवाज़ में, कैसी, यानी कि अटर्ड वॉइस में उसने, रॉयल इन्फेंट अटर्ड, तो अपनी स्क्वीकी वॉइस में उसने कहा, कि पक्षी जैसी आवाज़ में ये शब्द उसने कहे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, और प्रमुख ज्योतिषी ने हैरान होकर अपनी नाक के ऊपर क्या रख ली, उंगली रख ली। ए बेबी बेयरली 10 डेज ओल्ड ओपन सिट्स लिप्स इन स्पीच, कि किस तरीके से एक 10 दिन का बच्चा बोलने के लिए अपने होठों को खोल लेता है, अपने होठों को खोलकर बोलता है, किस तरीके से। नॉट ओनली दैट
इट आल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और यही नहीं ये समझदारी भरे प्रश्न भी उठाता है। प्रश्न जो करता है वो बड़े समझदारी भरे हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, इनक्रेडिबल। वास्तव में इसके प्रश्न विश्वास करने लायक नहीं है, मतलब है विश्वसनीय है। रेदर लाइक द बुलेटिन इशूड बाई वार ऑफिस, और यह सत्य नहीं है देन फैक्ट्स द एस्ट्रोलॉजर टोक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज ओपन हिज लिटिल प्रिंस। और उसने क्या कहा कि यह सत्य नहीं बल्कि शुद्ध कार्यालय से निकलने वाले समाचारों जैसा लगता है, यानी कि ऐसा लगता है कि इसने जो बात कही है, यानी कि ऐसा लगता है कि ये बात समाचार पत्रों में वास्तव में सत्य प्रकट हो कराई हो। और प्रमुख ज्योतिषी ने अपनी जो नाक है उस नाक से उंगली हटाई और नन्हे राजकुमार पर अपनी नज़रें गाड़ दी। किस पर? नन्हे राजकुमार पर। ओके, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। हो गया। द प्रिंस वाज बॉर्न इन द आर ऑफ द बुल, कि इस लड़के का जन्म, इस राजकुमार का जो जन्म हुआ है वो वृषभ जाति में, वृषभ राशि में हुआ है। वृषभ का मतलब होता है बैल। क्या मतलब होता है? बैल से मतलब होता है कि वृषभ राशि के अंदर या वृषभ नक्षत्र के अंदर इसका जन्म हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और बैल और चीता दोनों ही क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। इसलिए ध्यान रखना, मृत्यु किससे आएगी? बाघ से आएगी, टाइगर से आएगी। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू ए क्वैक वैन हियर द वर्ड टाइगर। और शायद आप ये सोच रहे होंगे कि वो सिंहासन का जो राजकुमार था, यानी कि क्राउन प्रिंस था जंग बहादुर, ठीक है, शायद यह शब्द सुनकर वह कांप गया होगा, उसे डर लगने लगा होगा। किस चीज़ का नाम सुनकर? टाइगर का नाम सुनकर। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, किंतु वास्तव में जो आपने सोचा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। एज सुन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्राउल, और राजकुमार ने ही जैसे ही इन शब्दों को सुना, यानी कि इन शब्दों को जैसे ही उसने सुना वह गहरी आवाज़ में गुर्राया, ठीक है। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके होठों से बड़े खतरनाक शब्द निकले, यानी कि टेरिफाइंग वर्ड्स निकले। लेट टाइगर्स बीवेयर, यानी कि उन बाघों को सावधान हो जाने दो, बाघों को सावधान हो जाने दो, यानी मैं किसको मारूंगा? बाघों को मारूंगा। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर लाइफ इन प्रतिबंधपुरम, और यह वर्णन मात्र ऐसी अफवाह है जो प्रतिबंधपुरम में फैली है। ये सिर्फ क्या बताते हैं कि ये सिर्फ अफवाह है, और ये कहाँ मिलती है? प्रतिबंधपुरम में मिलती है। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, किंतु यानी कि बाद की घटनाओं को देखकर हमें ऐसा लगता है, हम ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं जिस पर लगता है कि ये किसी सत्य घटना पर आधारित घटना थी। ओके स्टूडेंट, एंड हमने आपको इस चैप्टर का वन पार्ट है जो कंप्लीट कर दिया है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो इसके बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। और तब तक के लिए आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है। स्टूडेंट, रिवाइज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए चैप्टर को रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि रिवाइज करने के बाद मिड क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, ठीक है। साथ में ही आपको क्वेश्चन से आंसर का आइडिया तुरंत दिमाग में निकल कर आता है, इसलिए आप जो है बड़े अच्छे तरीके से इस चैप्टर को रिवाइज करें और
साथ में ही कुछ क्वेश्चन अपने मन से भी बनाने की कोशिश करें। टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है और इसलिए टाइम का ख्याल रखते हुए हम अपनी स्टडी को रेगुलर रखें, और साथ में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो है प्रोवाइड करवाऊंगा, वो आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए और साथ में उसको लर्न भी कीजिए, ठीक है। जो मैटर या मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा उसको इग्नोर मत कीजिए, ओके स्टूडेंट। किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, इंग्लिश की नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, आप जो है पूरे मन के साथ अपना काम करते रहिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, और हम आशा करते हैं कि आपके जो आगामी अपकमिंग डेज में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, जो भी डेट आपकी गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की जाएगी, उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं, ठीक है, कि आप अच्छा पढ़ें, अच्छे रहें, अच्छे स्वास्थ्य के साथ आप आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।